शिवालाल महाराज की, गुरु मरियमा एडी की, गुरु ऋषि महाराज की, गुरु लक्ष्य बंजारा की, गुरु बंजारा समाज की, गुरु भारत माता की। मैं डॉक्टर जो मालम से बर्बादी नवी थी अभी जनरली बहुत जल्दी बात मार रहा आजकल क्या
Setelah mami di Semarwas, sel do din or ek night, do din or ek night train में बैठकर दिल्ली को आकर हमारे समाज का संस्कृति प्रोग्राम करने वाले जितुरी चंद्रमा के जैसे हमारे बहन भाई हैं यार. हर लड़की है हमारे पास. This is our strength. This is the strength of our community. हमारे लोगों को एसी नहीं चाहिए. उशान वाला बेड नहीं चाहिए. क्लीन संडास बाग तो मैं बैठने का जगह रहा तो बस वहां जाते हैं. और उनके लिए अब के बार तो इतना प्रॉब्लम था कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस कम से कम 50,000 लोग वहां से डेलीगेट 1,00,000 लोग डेलीगेट आए. हर कहीं भी जगह नहीं है. जहां भी छोटे आज हमारे नोनी जी आए. नोनी जी अभी मैं दिखे कहीं भी उन्होंने इनके मदद से और यहाँ के लोकल मदद से आज हमको अकोमोडेशन शोक मिलकर ये प्रोग्राम हो रहा है. और ये हमारा आज एक बहुत बड़ा काम हुआ है. आज इतिहास में पहली बार जो तांडवे छोटे से ताना से आकर मुंबई में एक बड़ा बिजनेसमैन कष्ट से बन गया है. उनका वो बाज द ईगल बोलते बाज वो बाजे भी आज ऊपर वो मिला. किसी का बुक ने ओपन किया आज उन्होंने भी उसका आज ओपन किया. हमारे समाज को वो चैलेंजेस है. हमारे पास एमपी हुए पहले हम उनको किसी को हम दोष नहीं देते. वो काम नहीं किए वो नहीं काम किए. जब मेरी भाई मेरा बाप मैं गोपाल देव यादव का बाप बेटा उस बेटा हो और रामराव मार्ग का जो भक्त हो समाज के लिए काम करने के लिए हमको भगवान ने प्रेरित किया. आज मैं जब भी सोचता हूँ कि समाज का लास्ट आदमी बंजारा समाज और दूसरे हर समाज के हमारे कोली समाज के भी लीडर आए हैं. हर समाज के बारे में हमें सोचते हैं और बंजारा समाज में पैदा हूँ बंजारा समाज के बारे में भी सोचता हूँ मैं. क्योंकि हमको मालूम है कितना तकलीफ कितना दर्द मुझे एक ही घटना मालूम है. मुझे चिंचोली का मुझे याद आता है. उसके बात मत करो बोलते लेकिन मैं फखर से बोलता हूँ. एक बार सर पत्थर बड़े बड़े पत्थर फोटो वाले को नहीं लेते होटल के लोग हमारे रेड्डी सर तुम कुंडे के रेड्डी ये मारुति तुम कुंडा और रेड्डी उन कल बोलो भी दो अरे बड़े और यारों शुरू किए थे ना पत्थर फोड़ने वाले कोई नहीं ढूंढ रहे थे कौन आते पत्थर तो वो रेड्डी साहब बोले साहब कोई नहीं आया तुम्हारे समाज के बंजारे औरत आके एक घंटे में पत्थर फोड़ के पैसे लेके गए. भीख मांगने वाले सिर्फ हमारे समाज नहीं है आज मेहनत करने वाले समाज. सारे हिंदुस्तान जाता है आज प्रधानमंत्री जी को लेकर ओमी राज को लेकर ये समाज ऑर्डिनरी समाज है. पीपुल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग अबाउट आवर कम्युनिटी. हमारे लोग क्या है इनकी समस्या क्या है अभी सोचने चालू कर. सारे हिंदुस्तान के लीडर आज जय शिवलाल महाराज बोल रहे हैं. प्रधानमंत्री से लेकर हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हर पार्टी के मिनिस्टर हर लोग जब भी जाते हैं रामराव महाराज और जय शिवलाल महाराज बोलते हैं. तो इतने अवेयरनेस आ रही है जागृति आ रही है. देखो सिर्फ 2 MP है 10 से 14 करोड़ हमारा पॉपुलेशन है. और मुझे बहुत तकलीफ मैं MLA इलेक्शन में रामू साहब पर ये मुझे इंचार्ज दिया गया था 2 दिन के लिए जबरदस्ती ले गए थे यहाँ से. तो मुझे हमारे साथ हमारे दो लोग हमारे नागपा कोल्डी और हमारे गेमुरा को वहीं के वहाँ ले गए. 65,000 बंजारा कम्युनिटी 80,000 कोली समाज फिर भी हमारे लोग नहीं जीते. उधर जागृत होना चाहिए और वहां पे समस्या है हैदराबाद में तेलंगाना जहां हमारे लोग है वहां पे रिजर्वेशन नहीं है. मैं आज आश्वासन देता हूं शिवलाल महाराज भगवान और हमारे गुरुवर्य के लोग मुझे और एक बार चांस दिए तो 100% हिंदुस्तान में जा जाए जिनको कोई तकलीफ हो सेटलाइट करेंगे. और जब डिलिमिटेशन होता है डिलिमिटेशन तो हम जरूर किसी समाज को अन्याय नहीं होने देंगे. मैं ये बात करता हूँ.
बहुत देखो हम डिस्कशन करते हैं, हम घर में जब हमारे दोस्तों के साथ, मोहन सिंह जी आपको तो तकलीफ नहीं होगी ज़्यादा, हम जब विट्ठल जाधव भैया और हम सब सात आठ लोग बैठते हैं, हम बोलते हैं हम अलग हैं और हमारे बेटे अलग हैं, मैं अलग, हमारे पवार साहब अलग, क्योंकि हम ठोकर खाकर बहुत से इंसल्ट सहन कर कर हर स्टेप पे हमको क्या बोलते हैं, बहुत कम इससे नज़र से देखकर हम कितना भी एफिशिएंट रहे तो भी हमको तकलीफ देकर हम अभी फर्स्ट जनरेशन आ गए हैं। लेकिन हमारे बच्चों को ये तकलीफ नहीं है, उनको नहीं मालूम, वो फ्री हैंड बैटिंग करते हैं, हम सोच सोच कर बैटिंग करना करते हैं। तो ऐसा माहौल हमारे देश में है। आज मैं जब भी पार्लियामेंट जब पहली बार गया, साष्टांग नमस्कार कर करके अंदर गया, मैं जब भी जाता हूँ, मैं डॉक्टर उमेश यादव गुलबर्रा का MP हूँ और एक समाज बंजारा समाज का MP हूँ, मेरे तरफ से मेरे गुलबर्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी को और मेरे समाज को कभी नहीं बदनाम होना बोलकर हमने काम किया है। कभी मेरे समाज को और मेरे लोगों को, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को ये महसूस नहीं होना कि यादव साहब हमारा नाम खराब करें। आज सबसे हाईएस्ट डिबेट इन कर्नाटका इज बाय डॉक्टर उमेश यादव साहब। डिबेट में नंबर वन, क्वेश्चन में नंबर टू, अटेंडेंस में भी 89 नंबर थ्री। तो मैं बहुत दिन के बाद हमको ऐसा मौका, सुनहरा मौका मिला है। बहुत दिन के बाद, 70 साल के बाद कर्नाटका में पहला MP मैं बंजारा समाज से उमेश यादव बनकर आया हूँ। और दूसरे पार्टी वाले टिकट देते थे, मेरे बहन का बेटा प्रकाश राठौड़ को दो बार टिकट दिए और टिकट देकर उनको गिराने वाले भी वही पार्टी वाले। आज मैं येडियुरप्पा साहब को, हमारे मोदी जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, हमको टिकट दिए और 1 लाख वोट से हमारे लोग सब मिलकर जीता है। अब तक बंजारा समाज को अब तक लोग फूंद रहे हैं, टाट मार रहे हैं। मैं एक बात बोलता हूं, पार्लियामेंट हाउस में, अपर हाउस राज्यसभा में, एक बार बड़ा भारत देश का बड़ा नेता वो बोलते हैं मेरे नरेंद्र मोदी जी को, मोदी जी आप बार बार गुलबर्गा क्यों जाते, बार बार मेरे कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जाते और जाकर लंबाड़ों का कार्यक्रम क्यों जाते आप बोलते। देखो ये अच्छा नहीं लगता हमको, ये दिस इज वंस अगेन इंसल्ट टू द कम्युनिटी। मैं वो नेता का नाम नहीं बोलता, मैं सबको समझ गया है। ऐसे चीजों में देखो, मैं मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबल था, भारत देश के 10 से 12 हजार करोड़ का मैं एक ही भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव था, लेकिन मुझे पार्टी ने कहीं कुछ भी कम नहीं किया। पहले दिन ही नरेंद्र मोदी जी हमको बोला था कि आप लोग कोई लॉबिंग नहीं करना, किसी को ही नहीं, हम अपने आप आपको सिलेक्शन करके आपको मिनिस्ट्री बनाएंगे। मुझे इतना दबाव है, आज मुझे शंकर पवार साहब भी मुझे लड़े, हर लोग लड़े, चलेंगे हम मोदी जी को दबाव डालेंगे। मैं बोला नहीं, मोदी जी हमारे भगवान के बराबर है, वो जानते हैं, वक्त पे हमको मौका देते हैं। हमको कोई चीज नहीं कम की। आज गुलबर्गा में मेगा टेक्सटाइल पार्क, हमारे बंजारा समाज को और कोली समाज के लोग जो माइग्रेशन को काम करने के लिए जाते हैं पुणे बॉम्बे, उन लोगों को मेगा टेक्सटाइल पार्क, 1 लाख लोगों को नौकरी देने वाला मेगा टेक्सटाइल पार्क गुलबर्गा में आज चालू हो गया है। और हर चीज, मैं एक बात बोलता हूं, बहुत से मेरा ये बात सारे हिंदुस्तान में खास करके मेरे अपोजिशन वाले कान देके सुन रहे हो ऑनलाइन, ये यादव साहब क्या बोलते हैं। मैं आज भगवान ऊपर वाला मुझे एक सेब दिया खाने के लिए,
ऊपर वाला एक सेब दिया, लेकिन मेरे बदकिस्मत में वो आधा कीड़ा खा गया था कोरोना के रूप में। 5 साल में 2 साल हमारे कोरोना में चले गए। कोरोना में भी चले गए तो भी हम कभी कोई काम नहीं रोके। हम सेवालाल जयंती बनाए, हमारे लक्की साहब बंजारा जी का जयंती बनाए, लोगों को लड़कर बॉम्बे से शंकर पावर का मदद लेकर जो बॉम्बे में अटक गए थे उन लोगों को गुलबर्गा लाए, और हमारे तेलंगाना में आपके महबूब नगर वो हम पूरा बॉर्डर को जाकर वो एरिया में जयराबाद नहीं नहीं उस साइड पर वो नारायणगढ़ वो एरिया के लिए वो एरिया में जो लोग बॉम्बे से आते थे गुलबर्गा में अटक जाते थे आनंद में, हम हमारे बीजी पाटिल सब मिलकर उन लोगों को पुलिस को भेजकर उनके ताने को भेजने चला जाते डीजल के लिए। हमारे बहुत से लीडर हम 2 साल हर लोग वहां पे काम किया। तो ऐसा आज हमारा संकल्प है आप हम सब मिलकर। मैं राजस्थान भी गया हूं, 8-10 दिन हमारे बिरला जी के टोन में रहा, बहुत से ताना गए। मैं बोलता हूं अगर हमारे लोग कर्नाटका के महाराष्ट्र के तेलंगाना के अगर वहां जाएंगे तो वो बोलेंगे सर भगवान मनमोहन जो कौन हम पूर्ण जब जन्म पुण्य करना चाहो हम वध पैदा कर दो छे ये नुमाय रोड छे पीएन पानी छे घर में पीएन पानी छे हालत खराब छो दिया को वाले का पास में राजस्थान में फैसिलिटी छे। तो आपन एमपी तो हम हर जगह नहीं बन सकते, जाओ ये है हम सब मिलकर पैन इंडिया हर लोग हम मिलकर हमको काम करना है। मेरा बेटा अभी ये तो ये 2 साल में हमने अभी दिल्ली क्या है हमको समझ में आ रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है कि लोग कैसे हैं, कि केमिस्ट्री मालूम हो रहा है, हमारे प्रोफेशनल लीडर खत्म हो गए। आगे अगर आगे जरूर मौका मिलेगा और 100% हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे मोदी जी आकर हर लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, खासकर बंजारा समाज का। मलखेड़ में मलखेड़ आए थे, मलखेड़ आके वहां पे 3 लाख भाई सर मलखेड़ में आए थे हमारे नरेंद्र मोदी जी। देखो हमारे लोगों का हालत मालूम है, नरेंद्र मोदी जी आए तो एकदम टाइट सिक्योरिटी, मोदी जी आने वाले 2 बजे हमारे लोग 11 बजे एक एक को चेक करने लगे। मैं बोल दिया कोई चेकिंग नहीं, पहले सब ब्लॉक कर दिया बंद। मैं खुद 4 घंटा बिठा कर आज इतना अच्छा वहां पर मैसेज गया भारत देश में हमारे बंजारा समाज के 1.5 से 2 लाख ड्रेस पहन कर लोग वहां आकर मलखेड़ में पहुंच गए। तो वक्त ज्यादा नहीं लेता हूं, तुमसे हाथ जोड़कर धन्यवाद करूं, तुमसे अब थोड़ा क्योंकि लोग ये मेरा बात हर भी सुन रहे, हमारे समाज में भी कुछ उधर इधर खींचने वाला रहता है टांग, लेकिन जवाहरलाल महाराज को टांग पकड़ने नहीं देता किसी को। हमारे पास संत जवाहरलाल महाराज का अध्ययन पीठ बोलते हैं चेयर, भारत देश में नहीं कहीं नहीं, मैं पहली बार एमएलए बना जब वो अध्ययन पीठ गुलबर्गा में आज यूनिवर्सिटी में करने के लिए हमारे विट्ठल यादव भाई का प्रेरणा था, और वहां पर 4 एकड़ जगह यूनिवर्सिटी के अंदर लेकर वहां पर 2.5-3 करोड़ सरकार सैंक्शन किए, वहां पर हमारा बंजारा सोलर भवन अध्ययन पीठ बन रहा है। 10 एकड़ जगह एयरपोर्ट के बाजू वहां पे ऐसे बहुत से हमारे बहुत से काम हुए होंगे, वो भी गिनाते गए तो बहुत ज्यादा होगा। मैं कभी भी मैं आप सबको मैं एक बात बोलता हूँ, आप कभी ये मत बोलिए कि सॉरी हमारे यादव साहब
कुछ बोले तो सॉरी ऐसा नहीं, हर चीज का हम एक्सप्लेनेशन देंगे। हम कभी भी किसी काम में हम पीछे नहीं पड़े, हम सिंसियरली एफर्ट करके हर चीज हमने कोशिश की और अभी कुछ कमियां थी वो भी हम सेट करके आगे काम करेंगे। आज मैं हमारे रविंद्र नायक जी को, हमारे दोनों महाराज को, शंकर गौर को, रामू जी को, हमारे मोहन सिंह साहब को, सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए क्योंकि ये बड़ा इलेक्शन है, हमारे पास हेडकाउंट है लेकिन हमारे पास स्ट्रेटजी करने वाले लोग कम होते हैं। हम बहुत जल्दी अफवाह में अफवाह के अंदर फंस जाते हैं। हमको अननेसरी कर्नाटक में ये बोल दिया गया, भाई बोल रहे थे हमारे कागड़ी भाई जेपी मेंबर, वो बोल रहे थे इंटर रिजर्वेशन एंड ऑल, पूरा कंफ्यूजन होकर हमारे लोगों को ये दिमाग में डाल दिया कि लंबा नहीं बंजारा एस सी तकदारा बंजारा समाज को एस सी में से निकाल दिए। मेरे ताने में हर ताने में मेरे बेटा जब कांग्रेस किया था, मेरा बेटा एमएलए जो कांग्रेस कर रहा था, तो वहां पर जाकर हर लोगों को बोले कान में कि भारतीय जनता पार्टी बंजारा समाज को लमाना नहीं है, स्थिति तय कर रहा बूढ़ी से लेकर हर लोगों के दिमाग में बहुत कुतंत्र की है। ऐसे में जल्दी हमारे लोग अपप्रचार में एक बार फंस जाते हैं, उसके लिए आप लोग आकर आज से आज 19 फरवरी है, 19 मार्च, 19 जनवरी, सिर्फ 60 दिन, विद इन 16 डेज खेल खत्म हो जाता है। इस 60 दिन के लिए मैं भाई को विनती करूं, मार भाई मार बहने मार उनका काय तो तुम बोली भी काय करो तो हम भी घर में ले जाओ, घर घर जा पट्टी मांगा जा बोली करे बस उम्मत अपना घर घर जा आप वोट मांगे घर घर जा अरे गोमाटी के पुरुष पट्टा हो गौड़ा हो से समाज में जा अपना हमार हम उन मौका से आगे ना रिजोल्यूशन लेकर जाओ से हमार गलबरगा में रहने अपना हमार हम उन जिताओ हम उन वोट दो तब हाथ जोड़न विनती करो तो काम करो विनती कर समय उन्होंने को चे हमारे दी शोला महाराज हमारे सिद्धिंग महाराज दी बातें को कर मार विनती चे आज सेल सेल में धन्यवाद करूं तो आज मैं हमारा टीम में एक सब मैं कभी भी मेरे लोगों को मेरे जो मेरे साथ काम करते हैं जो काशीनाथ बिरादर और मेरे पूरे टीम रामकृष्णा और पूरे टीम यहाँ पर उनको एक ही चीज बोलता हूँ ये मेरे साथ बहुत से हमारे नागा पकौड़ी सब है यमुना का है शांत पकौड़ी है सुकुमार पाटिल हेरो मल्लीनाथ वटवटी राजू जाधव इम्तियाज मारुति जमादार ये हर समाज के एक समाज के हैं। आज हमारे मल्लप्पा इडगे परशुराम इडगा संतोष राठौर आकाश सुरेश संतोष अडे परशुराम गुरुविटकर प्रेम कुमार अरविंद विस्तारकाय हमारे बाबू सुल्तान रोशन उमेश चव्हाण ये सब इनको एक ही बात बोलता हूँ, तीन चीज बोलता हूँ, मेरे जो गुरुवार से आए जो बाहर से आए दिल्ली को उनको थोड़ा भी तकलीफ नहीं होना, उनको टाइम में खाना खिलाना, उनको रहने का इंतजाम करना, उनको एकदम यहाँ पे खुशी से जाना। दूसरा प्रोग्राम से बॉदर नहीं करता हूँ मैं, आज हर लोग आज सबको किसी को 5 साल में 8 प्रॉब्लम हुए किसी को कुछ तकलीफ नहीं हुआ उसके लिए मेरे सब टीम को मेरे धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली वाले टीम को भी दिल्ली के हर स्टेट के लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ। हम कभी भी हम सारा हिंदुस्तान में हम बंजारा समाज को एक करेंगे और मिलकर काम करेंगे। आज शेर धन्यवाद करण पार्टी वाले को शोला महाराज की जय। धन्यवाद, राम राम टूरी गोर बंजारा।